हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। और मम्मी की कमर में शायद थोड़ा सा आराम है, और गौरव को पूरा आराम है, नेसा को बिल्कुल आराम नहीं है। अभी उसका फीवर चेक किया जा रहा है, कितना है? 100.1। इसको अभी बुखार है। और मैंने टिफ़िन पैक कर दिए हैं, बच्चों को दूध जूस दिया है, गोलू को और वंशु को। निशा को गर्म करके दूध दिया है क्योंकि इसका गला भी ख़राब है साथ में। और मम्मी के लिए मैं चाय बनाऊंगी, पहले बच्चों को छोड़ के आऊंगी, आने के बाद चाय बनाऊंगी। मैं आ गई हूँ बच्चों को छोड़ के, और मम्मी के लिए चाय रख दी है मैंने, और मैंने अपने लिए दही ले लिया। निशा की मैंने छुट्टी करवा दी, ज़्यादा तबीयत खराब। आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो गर्मी होने लगी है, उसकी वजह से मैंने कूलर भी साफ कर दिया है। कूलर साफ करने के बाद बालकोनी गंदी हो गई थी, बालकोनी को दीवार तक भी मैंने साफ कर दिया। टाइल लगी हुई थी, पूरी दीवार साफ कर दी, पूरा साफ कर दिया। और नीचे मेन गेट था, वो भी मिट्टी से भरा हुआ था, वो भी साफ कर दिया। स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी में बहुत सारा रेत हो रहा था, तो उसको भी मैंने साफ किया। स्कूटी भी साफ कर किया है क्योंकि मैंने आज कैंटीन जाना है। लंच मैंने मेरा बन गया है, आज जल्दी बना दिया क्योंकि काम बहुत लेट हो गया था। और मैं सोच रही हूँ, मम्मी का भी खाना हो गया, मेरा भी हो गया, निशु का भी हो गया। और देखो मैंने पूरा कूलर साफ किया है अच्छे से, ऊपर की छत भी धो दी मैंने, पूरा कूलर ऐसे धो दिया बिल्कुल। ये विंडो वगैरह भी मैंने धो दिए, ये डोर बिल्कुल मिट्टी में भर गया था क्योंकि अंधकार आया था, दो दिन तक कंटिन्यू देख पूरा साफ कर दिया है। जो ये दीवार है ना, ये दीवार, ये सब साफ कर दी, क्योंकि करते समय मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है, और मैं करूँ या फिर मैं दिखाऊँ, ये दो एक ही काम होता है। और नीचे देखो ये छोटी सी, इसका थोड़ी सफाई करके आई ऊपर, फिर मैंने पानी भी डाल दिया है, और नीचे वाला गेट भी साफ कर दिया बिल्कुल। दोबारा नीचे वाली फर्श भी धो, फर्श पे पानी हो गया था, स्कूटी धोई तब, और किम नाली भी फटी हुई थी, उसकी वजह से भी पूरा ख़राब हो गया था। तो धो के देखिए, ये पायदान भी अभी गिल रही है, ये वाला, क्योंकि अंदर पानी आ गया था, यहाँ से गिल है, पानी आ गया था अंदर, दरवाजा धोया था। और मम्मी को पहले भी ठीक है, मम्मी दवाई ले ली, ले ले फिर कल कौन ले तो, और के जब आराम ना हो तो ले ले खुराक और ले ले। और पहले बीच मम्मी ठीक है, दवाई लेने में भूल गई है। हैं, अरे कोई बात नहीं, दर्द तो खत्म हो जाएगा, एक दुख है, एक चीज दुख नहीं, और एक दर्द दोनों अलग अलग बात है ना। मम्मी की दवाई भी अब डालनी है, 12 बज गए, मैंने डाली थी 10 बजे, 10:03 कितना हो गया, 1 बजे डालोगे और दूसरी डालोगी। लंच करने के बाद मैं रसोई साफ कर रही थी, टोकरी भरी हुई थी बर्तनों की, मैंने बोला निशा तू टोकरी खाली कर दे बेटा, और इतने में साबुन लगा लेती हूँ बर्तन को। तो निशा टोकरी खाली कर दी, मैंने अपने बर्तन धो दिए थे, और मम्मी लगा रही थी राउंड, मम्मी का खाना हो गया था, और राउंड लगाते लगाते बातें भी कर रहे थे सासू बहू हम आपस में। और मम्मी को ये टाइल भी थोड़ी सी पसंद आई, बोल रही थी ये फ्रूट की टोकरी थी कितनी अच्छी लगती है,
मेरा काम हो गया है और अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। टाइम हो गया है 12:15, मेरे पास अभी टाइम है। और बच्चे सब से आ चुके हैं, बच्चों का खाना हो गया है और मैं जा रही हूँ कैंटीन में। मेरे वो कहाँ है पहनने का, ब्लैक ब्लैक देख, उधर देख रूम में आटो ना कलर, छोटे पनी ना से ये हाथ में पहन के जाती हूँ, जैकेट सी ब्लैक कलर की। मम्मी के लिए मैंने चाय बना दी है और निशा के लिए, निशा चाय के साथ बिस्किट खाएगी। और दिन में लगता धोने कोई फायदा नहीं था क्योंकि दिन की समय धूप बहुत ज़्यादा होती है, बालकोनी में बार बार उतारना पड़ता है, फिर फायदा क्या, इसलिए मैंने 4 बजे मशीन लगाई है, चल रही है मशीन। और ये सुखाऊंगी जब तक धोएंगे, जब तक 6 बजे से सुखाऊंगी क्योंकि धूप चली जाएगी तब नहीं कलर चला जाएगा, धूप जाए ना जाए कलर जरूर चला जाएगा। मम्मी की चाय हो गई है और मम्मी कर रही है रेस्ट। मम्मी अब बताओ तुम्हारी कमर में क्या प्रॉब्लम है, अगले भाई पीछा खत्म ना हो जाए पहले आपका कौन लाएगा तो गई ना बात ना ठोकर खाए हो जाएगी पेट भी और कमर भी, चणक निकाला तो धरण डिग जा धरण को हाथ तो झटको मारांगा तो चणक फिर डिग जाएगी। बताओ क्या कर सका सर, कुछ इलाज को ना, घर जाएंगे झाड़ू दिवाऊंगा, मार पड़ोस में झाड़ू दे से धरण को, दोनों चीज ले भाई पेड़ पेड़ किसका दे सर, रोजीना को काम सर रोजीना जोर तो लगा ना, मन तेरे को जोर लगाए ना मम्मी, डेली को काम सर पेड़ की अस्तेसी करनी, खिसक जाए बेचारो। या भी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए और एक लड़की की लगा दी मैंने क्लास, मम्मी ध्यान रखिए देख लूंगी फिर माफ करना। पढ़ाई को ना बुखार तो उतर गयो उतरा गयो नू नहीं पढ़ लियो भानु ली बैठी रहे बुखार को, बुखार से मैं जा रही हूँ अब दूध लेने के लिए, दूध का टाइम हो गया, आके सब्जी रोटी करूंगी, कल की हमारे बच्चों की छुट्टी है, आराम से उठेंगे आराम से सोएंगे, नो टेंशन, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तो कोई टेंशन नहीं होती ना, ना सोने की ना उठने की, बस आँख में दवाई डालने की रहेगी थोड़ी सी, वो 1 घंटा लेट डल जाएगी। मैं दूध लेके आ गई हूँ, पसीना पसीना हो रहा है बिल्कुल, इतनी मिट्टी उड़ रही है मम्मी, बस पूछो मत, घर से बाहर निकलने जी नहीं कर खंडिया तो रेत कोई ना उड़े से तो मारकन रोड कित से मार कर आगे इतना ना घर मिट्टी उड़ा के तो अलग ही मिट्टी उड़ उड़ा से मतलब वो अजीब सी फुशी फुशी सी नीरी टायर के नीचे बिच बिच कर बुरा सी बन रही है कत्ती नीरी देख ले मैं आदर क्यों कर पड़ लाल कर मेरा देख ले दादी पोता की लड़ाई देख दादी हुई जवान देख लो हाथ पैर हाथों पाई नहीं है प्यार नहीं आता पहचान रही से है देख दादी नो कल मैं जवान अच्छोर नो कैसे मैं तो सुई जवान टूट बोल रहे हम भी ये टॉपिक दी था ये टॉपिक था देख ले दोनों को थ्रेल कौन सा कम हो तो आ टॉपिक से मैं पैर चला तो मुंह आगे आते हैं हाँ वीडियो बन रही जब मानो सोचा मैं कती कमजोर दिख जाऊँ ना ये सोच रही कमर पाट जा पर छोरा के बराबर गुथूंगी छोरा ने टिक रहो लाग जाए गौरव मैं
अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और डिनर में मैंने बनाई थी चने की दाल। दूध रख दिया था गर्म करने के लिए, जमाने वाला भी और पीने वाला भी। और कुकर रख दिया मैंने, ले चल छौ काटूंगी इसी, इतने तेल गर्म हो जाएगा। फैन भी चला दिया क्योंकि मम्मी की आँख बनी हुई है ना, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं तेल में छौंक लगाने से पहले थोड़ा सा नमक डालती हूँ, उससे ना तेल की स्मेल नहीं आती। सरसों तेल में छौंकती हूँ ना तो कच्चा तेल रह भी जाए तो स्मेल नहीं आती। उसके बाद मैंने दाल छौंक दी है, सब कुछ डाल दिया है। दूध भी मेरा गर्म हो गया था, दोनों गैस भी बंद कर दी है मैंने। तो सामान भी वापस सेट कर दिया है, वो जितना भी काटे पीटी की थी मैंने वे सब डस्टबिन में डाल दिया है। रसोई बन गैल गैल साफ कर दी थी। और मैंने अब आटे की कर रही हूँ तैयारी। मैं टंकी पे हमेशा नहीं कपड़े रखती हूँ क्योंकि जो मिट्टी वगैरह होती है ना तो टंकी पे जाकर जम जाती है, गलती से भी थोड़ी सी रिफी रह जाती है तो सीधे ना आटे के अंदर चली जाती है। इसलिए मैं कपड़ा रखती हूँ हमेशा, कपड़ों को धो देती हूँ, मैला हो जाता है तो नहीं तो मैं कपड़ा हमेशा रखती हूँ। और आटा भी लग गया है मेरे, और बर्तन भी साफ हो गए थे। गैस की अभी कोई सीटी नहीं आई थी अभी कुकर की कोई भी, मैं वेट कर रही थी। मैं सोची वेट करूँ इतने मैं खीरा काट लूँ सलाद के लिए, और मैंने प्याज भी काटी। पता नहीं एक आदत सी हो गई शाम के समय की सलाद खाने की, दिन के समय नहीं खाते शाम को ही खाते हैं। मम्मी की आँख में दवाई वगैरह डाल दी है और सबका डिनर भी हो गया है, और अब कर रहे हैं हम सोने की तैयारी। गुड नाइट गाइस। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। गुड नाइट।